आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं चर यानी वेरिएबल्स को। तो चर कहते किसे हैं, तो पहले इसके अर्थ को समझेंगे। चर से तात्पर्य वस्तु तथा घटना के उन गुणों से है जिन्हें मापा जा सकता है, अथवा किसी भी वस्तु या घटना के चर कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें मापे जाने का गुण होना चाहिए। यानी कि जब शोधार्थी कोई शोध कार्य करता है तो वो उस समस्या के समाधान हेतु क्या है, कई तथ्यों को एकत्रित करता है। अब उन तथ्यों का जो एकत्रीकरण जब होता है तो क्या होता है, उनको मापा जाता है कि ये कितने सटीक बैठ रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे चर कहलाते हैं। अब देखिए चर के कितने प्रकार हैं, तो पहला आपका आता है आश्रित चर, दूसरा आपका स्वतंत्र चर, सक्रिय चर, गुड़ चर, गुणात्मक चर, मात्रात्मक चर। मात्रात्मक चर में यहाँ पर सतत चर और असतत चर देखने को मिलते हैं। बात करें हम आश्रित चर की, तो आश्रित चर से आशय उस चर से होता है जिसके बारे में शोधकर्ता तथा प्रयोगकर्ता कुछ पूर्व कथन करना चाहता है। यह वह चर है जिसमें शोधकर्ता सावधानी पूर्वक निरीक्षण करता है तथा उसके आंकड़ों को रिकॉर्ड करता है। अब देखिए आश्रित चर में क्या होता है, इसमें जो शोधकर्ता है वो जाके आंकड़ों को तथ्यों को एकत्रित करता है, ठीक है, जो जैसा घटित हुआ है उसको वो उसी रूप में लिखता है। तो इसमें क्या है, इसमें जोड़ तोड़ संभव नहीं, यानी कि इसमें जो शोधकर्ता है वो कोई परिवर्तन कर नहीं सकता है। किसमें, आश्रित चर में। ये ध्यान रखेंगे कि आश्रित चर में शोधकर्ता कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता, इसीलिए क्या कहा जाता है ना, आश्रित चर कहा जाता है। दूसरा क्या है, स्वतंत्र चर। तो स्वतंत्र चर वह चर है जिसमें मूल्यों में प्रयोगकर्ता परिवर्तन करता है और इस परिवर्तन का प्रभाव उस आश्रित चर पर क्या पड़ता है यह देखता है। इस चर में जोड़ तोड़ संभव। अब देखिए यहाँ पर कहने की क्या कोशिश की गई है, जो स्वतंत्र चर होते हैं इसमें जो शोधकर्ता है वो अपने सुविधा अनुसार क्या है, इसमें परिवर्तन या जोड़ तोड़ संभव कर सकता है। यानी कि अगर वो किसी घटना क्षेत्र पर गया है और उसे ये लग रहा है कि इन तथ्यों को एकत्रित करना इतना आवश्यक नहीं है, है ना, तो उसे क्या कहते हैं, हम स्वतंत्र चर कहते हैं। अब दूसरी बात हमें इस यहाँ पर क्या ध्यान देनी है कि इस स्वतंत्र चर का सीधा प्रभाव हमारा किस पर पड़ेगा, हमारे आश्रित चर पर पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से मिले जुले होते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए जोड़ तोड़ परिवर्तन संभव है ना, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो आश्रित चर पर क्या पड़ेगा, इसका वर्णन कौन करेगा, हमारा स्वतंत्र चर करता है। अब बात करें हमारे सक्रिय चर की, सक्रिय चर क्या है, प्रयोग या शोध के दौरान जिन चरों में जोड़ तोड़ संभव हो पाता है उन्हें सक्रिय चर कहते हैं। यानी कि जो स्वतंत्र चर में परिवर्तन किया जाता है वही क्या, सक्रिय चर में परिवर्तन इसमें भी किया जा सकता है, ठीक है। गुड़चर में देखें तो गुड़चर क्या है, तो ऐसे चरों को गुड़चर कहा जाता है जिसमें हेर फेर जोड़ तोड़ संभव नहीं है। जैसे किसमें संभव नहीं थी, हमारे आश्रित चर में, इसमें जो तथ्य हैं उन्हीं को ही लिखा जाएगा, जो संभावनाएं हैं उन्हीं को ही लिखा जाएगा, ना तो उसमें हम कोई परिवर्तन कर सकते हैं, ना उसमें कुछ अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, ना उसमें कुछ हम घटा सकते हैं। अब बात करें हम गुणात्मक चर की, तो गुणात्मक चर क्या है, इसका तात्पर्य उन सभी चरों से होता है जिनमें ये ऐसी श्रेणियां होती हैं जिन्हें मात्रा के रूप में सुव्यवस्थित नहीं किया जा सकता, यानी कि इसमें मात्रात्मक विधि का कोई प्रयोग नहीं है। ये किससे संबंध है, हमारे मानवीय व्यवहार से संबंधित है, ठीक है। अब हम देखें मात्रात्मक चर क्या है, तो मात्रात्मक चर वैसे चर को कहते हैं जिनकी श्रेणियों को मात्रा के रूप में सुव्यवस्थित किया जाता है, यानी कि इसमें उन तथ्यों को एकत्रित किया जाता है जो मात्रात्मक यानी कि आंकड़ों के रूप में हम लिख सकते हैं, तो वो क्या हो गया, हमारे मात्रात्मक चर कहलाते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, सतत चर और असतत चर। तो सतत चर से क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य उन चरों से होता है जिन्हें सूक्ष्म से सूक्ष्म मात्राओं में मापा जा सकता है, उदाहरणता प्रतिक्रिया समय की आयु आदि, है ना। तो ये सतत चर क्या है, इनको हर हाल में माप सकते हैं चाहे कितना ही सूक्ष्म रूप क्यों ना हो। तो ये किसकी विशेषता है, हमारे सतत चर की। अगर पूछ लिया जाए कि मात्रात्मक में ऐसा कौन सा चर है जिसके सूक्ष्म रूप को मापा जा सके, तो वे कौन है, हमारा सतत चर है। अब बात करते हैं असतत चर की, तो ये चर वैसे चरों को कहते हैं जिसमें सूक्ष्म मात्रात्मक रूप में मापना संभव नहीं है तथा जिसमें एक तरह की स्पष्ट रिक्ति
यानी अभाव पाया जाता है, यानी कि जो असत चर हैं हालांकि वो माप पे जाते हैं पर सूक्ष्म रूप में क्या है हम इन्हें माप नहीं सकते, इसीलिए इन्हें असत चर कहते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हमने देखा कि चर के कितने प्रकार हैं और शोध में चरों का क्या महत्व है इसके बारे में जाना। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए शीर्षक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।